आपने बिल्कुल सही सुना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। 122 नंबर आपको इधर लिखना होगा। फिर दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए आप यहाँ पर आसानी से 122 नंबर लिख देंगे। इस तरह आपको लिखना होगा। फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लगाने होंगे। इधर ऊपर के साइड में आप पॉइंट ऐसे लगा दीजिएगा। पॉइंट को लगाने के बाद इस 2 नंबर को हम नीचे की तरफ यहाँ पर मिलाएंगे। इसको भी आसानी से मिलाइएगा, इधर से ऐसे टच करेंगे, यहाँ पर आप मिला दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ऊपर के सिरे से यहाँ से इधर ऐसे बढ़ाना होगा। सेम आप यहाँ पर भी ऐसे आगे के साइड में बढ़ा दीजिएगा। हल्का सा अंदर की साइड में करेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, इधर ऐसे निकालिएगा और अंदर की तरफ इधर मिला देंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम आपको इस साइड भी ऐसे रिपीट करना होगा। इधर से ले जाइए, इसको अंदर की तरफ टच करेंगे और इधर ऐसे मिलाएंगे। छोटा सा पॉइंट, एक पॉइंट आप इधर ऐसे लगा दीजिएगा। इस पॉइंट की हेल्प से आपको दोस्तों छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाने होंगे। इसको यहाँ से ऐसे टच करेंगे, इधर बढ़ाइएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पर बढ़ाने के बाद जस्ट ऊपर के साइड में आप इधर से ऐसे ले जाते हुए इधर ऐसे मिला दीजिएगा। इस पॉइंट का यूज करते हुए यहाँ पर बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाइए। इस साइड भी आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर मिलाएंगे, ये मिलाइए, इधर मिला दीजिएगा। अब दोस्तों, नीचे वाले सिरे से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन को भी हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते जाएंगे। लाइन को बढ़ाने के बाद हमें इसको डबल भी करना होगा। यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, ये हो गया हमारा डबल। नीचे के साइड में इधर से इस पैरेट का पंख बना दीजिएगा। सेम आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, पंख बना देंगे। पंख बनाने के बाद दोस्तों, जस्ट इसी के बीच से ही आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इधर से बढ़ाएंगे, यहाँ से आसानी से डबल कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक ऊपर के साइड में अम्ब्रेला बन के तैयार हो जाएगा। अम्ब्रेला बनाने के बाद आपको ब्रांचेस ऐसे निकालने होंगे। ब्रांच यहाँ पे निकालेंगे, छोटी छोटी लाइनें आगे की तरफ आप ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। इधर से आपको एक ट्री बनाना होगा। देखिए कैसे बनाना है इसको। तो पहले हम ऊपर के साइड में ले जाएंगे, फिर ये वाला सिरा आप ऐसे नीचे की तरफ मिला दीजिएगा। यहाँ से आपको ऐसे डबल करना होगा, इसको हल्का सा बाहर के साइड में करेंगे। फिर दोस्तों, एक लाइन इधर करेंगे, इसको डबल कर दीजिएगा। ऊपर के साइड में बढ़ाएंगे, इधर भी डबल, इधर मिला दीजिए। यहाँ से भी आपको ऐसे कुछ ब्रांचेस निकालने होंगे। इस साइड भी आप डबल कर दीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारा ट्री लगेगा दोस्तों। इधर से करेंगे डबल, ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर भी ऐसे डबल करना होगा। डबल हो जाने के बाद इधर से हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिएगा, इस लाइन को बढ़ाएंगे, यहाँ से लाइन को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। जस्ट पीछे के साइड में हमें माउंटेन बनाना होगा। इधर से बनाएंगे, यहाँ पर बढ़ाइए। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इधर आपको स्काई बना देना है। यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे और गाइस, यहाँ से ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगा दीजिएगा और ये जाकर नदी में गिरेगा। यहाँ से भी आप ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगाते जाइएगा। ऊपर के साइड से भी आप ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगा देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ से बढ़ाइए, इधर आप ऐसे डॉट लगाएंगे, पूरे में डॉट आपको लगाना होगा। और यहाँ पर आपको कुछ ग्रास बनाने होंगे, इधर भी आप ऐसे ग्रास बना दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बहुत ही खूबसूरत से बारिश वाले सीनरी को कलर भी करना सीख लेते हैं।